फिफ्थ क्लास हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन रीराइट किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट 6.51 प्लस 1.09 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले हम ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6.1 और 1.09 को ऐड करेंगे। 6.151 ऊपर रखा है, 1.09 नीचे, 9 और 1 को ऐड किया 0, 9 और 1 को ऐड किया 10, 0 आ गया, 1 कैरी में, 5 और 1 6 आ गए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 6 और 1 7, 7.60। अब हमने वहां पर ये आंसर लिखना है, इक्वालिटी लगाएंगे सेकंड स्टेप में, कर्ली ब्रैकेट एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई एज इट इज, और जिसको हमने सोल्व किया इन दोनों को प्लस किया था, यहाँ पर जिसका आंसर आया था 7.60 इस आंसर के नीचे, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है, 7.60 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, 4 जीरो 0, 4 6 24, 4 और 2 कैरी में, 4 7 28, 28 में 2 ऐड किए 30.40, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इसको वर्किंग देख लें, 7.60 को ऊपर रखा है, 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 4 जीरो 0, 4 6 24, 4 और 2 कैरी में, 4 7 28, 28 में 2 ऐड किए 30.40 आपका फाइनल इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन रिडाइट किए हैं, 3.8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4.6 माइनस राउंड ब्रैकेट 2.31 माइनस 1.09 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहले हमने अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2.31 में से 1.09 को माइनस करना है, इक्वालिटी डाल के 3.8 प्लस कर्ली ब्रैकेट 4.6 माइनस तक एज इट इज आपने नीचे तक लिखा, ऐसे सेकेंड स्टेप में आप इसको सोल्व करना है, 2.31 को 1.09 में से माइनस किए, 2.31 में से 1.09 माइनस किए, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 1 ने इधर से कैरी लिया 11 बन गया, 11 माइनस 9 2 आ गए, 2 में से 0 माइनस किए 2 आ गया, डेसिमल डेसिमल की जगह पे ही रहेगा, 2 में से 1 माइनस किए 1, 1.22 आपका इसका राउंड ब्रैकेट का आंसर आ गया 1.22। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में 3.8 एज इट इज और प्लस आपने सोल्व करके कर्ली ब्रैकेट का आंसर लिखना है। कर्ली ब्रैकेट में अब सोल्व करना है, 4.6 में से 1.22 माइनस हो रहे हैं, 4.6 को आपने ऊपर रखा और 1.2 को आपने 1.22 को नीचे लिखा। अब 6 के साथ हमने प्लेस होल्डर 0 लगाया ताकि हम माइनस कर सकें, 6 ताकि ये डिजिट हम पूरे कर इक्वल करने हैं, आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर भी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट नीचे भी, ये प्लेस होल्डर 0 लगाया मैंने 4.6 के आगे, ठीक है। अब ये 0 जीरो ने जीरो में से 2 माइनस नहीं हो सकते, जीरो ने इससे कैरी लिया 10 बन गया, 10 में से 2 माइनस किए 8 आ गया, यहाँ पर 6 5 रह गया, 5 में से 2 माइनस किए 3 आ गया, 4 में से 1 गए 3, 3.38 माइनस करके क्या आ गया 3.38। कर्ली ब्रैकेट सोल्व होगी उसके बाद अब हमने 3.8 और प्लस 3.38 को क्या करना है, प्लस करना है। 3.8 के आगे हमें एक प्लेस होल्डर 0 लगाना पड़ेगा ताकि हम दोनों के डिजिट बराबर कर सके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसके हो जाए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट उसके हो जाए। प्लस करने के लिए 3.38 ऊपर लिखा है मैंने, 3.80 नीचे, 8 में 0 प्लस किए 8, 8 में 3 ऐड किए 11, 1 और 1 कैरी में, 3 और 3 6 और 1 7, 7.18 इसका आंसर आ गया, 7.18 इसकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो गई है, हमने ब्रैकेट्स को और तमाम ऑपरेशन को सोल्व कर लिया है, तो फाइनल आंसर 7.18।